खबर उत्तर प्रदेश से, जहां थ्रेसरिंग के दौरान एक युवक के घायल होने का मामला सामने आया है, जिसे परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर आए हैं, जहां उसका इलाज चल रहा है। लालाराम अहिरवार मूंगफली की थ्रेसरिंग करने के दौरान गले में पड़ी तौलिया थ्रेसर में फंस गई और गले में अटकी तौलिया फांसी का फंदा बन गई। लालाराम की जान बच गई है, फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक मामला पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के गंज गर्रोली गांव का है, जहां घायल के बेटे सूरज और पत्नी शांति ने बताया कि 50 वर्षीय किसान लालाराम अहिरवार मूंगफली की थ्रेसरिंग कर रहा था। इसी दौरान युवक के गले में पड़ी टॉविल थ्रेसर मशीन में फंसकर अंदर जाने लगी और टॉविल फांसी का फंदा साबित होने लगी। वो तो गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने देख लिया और पल भर न गवाए तत्काल टॉविल को फरसे से काट कर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच सकी है। इस हादसे में युवक के गले में गहरे घाव हो गए हैं, तो वहीं गले की ओर से मुंह के अंदर से ब्लड निकल रहा है, आवाज भी नहीं निकल पा रही है, जिसे परिजन गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर आए हैं, जिसका ऑपरेशन थिएटर में इलाज चल रहा है। मामले से जिला अस्पताल की सर्जन डॉक्टर संजना रॉबिन्सन का कहना है कि युवक की हालत गंभीर है, उसके गले में बाहर और अंदर गहरे घाव हो गए हैं, उससे ठीक से बात करते नहीं बन रहा है, उसका सीटी स्कैन कराया जा रहा है। जांच के उपरांत ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि गले में महज फ्रैक्चर है या फिर और भी पार्ट्स डैमेज हुए हैं। फिलहाल स्थिति नॉर्मल नहीं है, अगर समय रहते उसे नहीं बचाया गया होता तो जान भी जा सकती थी। चलो चलो भाई उठा ले, सामान नहीं ले जाना, यही ले जाना, हाँ। आगे लिखना भी होती थोड़े के, तो उससे वो तौलिया डाले थे गले में, तो वो मशीन में फंस गई, इसलिए वो गले में फंदा फंस गया। तो थ्रेसर से? हाँ, अपने गले से आवाज चली गई, खून आ रहा, और अब खून आ रहा तो बोल नहीं पा रहे ना, बोल नहीं पा रहे, नहीं पा रहे। जो किसी मशीन में काम कर रहा था और उसकी तौलिया उस मशीन में फंस गई। जाँच करने में अभी कुछ भी हम कहने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि अंदर उसके गर्दन में फ्रैक्चर है, क्या है, सूजन भी काफ़ी ज़्यादा हो गई उसके गर्दन में, तो बिना सीटी स्कैन के अभी हम कुछ नहीं बता सकते कि उसको अंदर कितनी चोट और कितनी गर्मी है। क्या मानते हैं मैडम, अगर समय रहते उसको नहीं निकालते तो उसका कसाव से इसकी मौत भी हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन जब तक हम सीटी स्कैन रिपोर्ट ना देखें, फिल्म ना देखें, तब तक अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत, राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।